वहीं दिल्ली में विधायकों की सैलरी और अलाउंस में भारी इजाफे की सिफारिश की गई है। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य की कमेटी ने विधायकों की सैलरी में करीब 4 गुना के इजाफे की सिफारिश की है। अगर कमेटी की सिफारिशों को मान लिया गया तो दिल्ली के विधायकों को मिलने वाली सैलरी और सरकारी सहायता देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की मांग उठाई थी। मामला विधानसभा की कमेटी के पास गया और कमेटी ने स्पीकर रामनिवास गोयल को सिफारिश की कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल से सैलरी निर्धारित कराई जाए। लिहाजा लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल आचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने देश के अन्य राज्यों में विधायकों की सैलरी और उनके खर्च पर स्टडी की। कमेटी ने अपने 21 पन्नों की स्टडी रिपोर्ट में विधायकों को मिलने वाली सैलरी और कुल सुविधाएं जो कि करीब 88,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 2,10,000 रुपए करने की सिफारिश की है। अलग अलग मदों में अगर कमेटी की सिफारिशों को समझा जाए तो विधायकों की बेसिक सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस को 18,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए, सेक्रेटेरियल रिसर्च और ऑफिस असिस्टेंस के लिए 30,000 की जगह 70,000 रुपए देने, ऑफिस अगर सरकारी या फिर खुद का नहीं है तो उसके किराए के लिए 25,000 रुपए, ये खर्च पहले नहीं था। कम्युनिकेशन अलाउंस 10,000 रुपए, ये खर्च अभी 8,000 रुपए है। कॉन्वेंस अलाउंस जो पहले 6,000 था उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए, डेली अलाउंस जो प्रत्येक विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पर दिया जाता है उसे 1,000 से बढ़ाकर 2,000 करने के साथ कुछ वन टाइम अलाउंस भी प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें फर्नीचर के लिए 1,00,000, ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए 60,000 रुपए, लैपटॉप पीसी टैब मोबाइल के लिए 1,00,000 रुपए, हालांकि ये खर्च कमेटी ने सैलरी में शामिल करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा विधायकों को मिलने वाले लोन की रकम को बढ़ाकर 4 से 12 लाख करने, विधायकों की पेंशन जो मौजूदा समय में 7,500 है उसे बढ़ाकर 15,000 करने, ट्रैवल एक्सपेंस को 50,000 सालाना से बढ़ाकर 3,00,000 करने और अंत में कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि विधायकों की सैलरी में हर साल 10% की बढ़ोतरी की जाए। आचार्य कमेटी की सिफारिश स्पीकर को दे दी गई है। अब स्पीकर इसे दिल्ली सरकार को भेजेंगे जिसके बाद सरकार इसे बिल के रूप में विधानसभा में पास कराएगी। यानी अभी विधायकों के अच्छे दिनों की कामना वाली सिफारिश आई है, इनके अच्छे दिन केजरीवाल तय करेंगे कि वो कब आएंगे। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में भारी इजाफे पर एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन को कुछ भी गलत नहीं लगता है। कमेटी के चेयरपर्सन पीडीटी आचार्य से खास बात की हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। दिल्ली में विधायकों की सैलरी 88,000 रुपए से बढ़ाकर 2,10,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है और जिस कमेटी ने सिफारिश की है उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीटी आचार्य, ये रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के भी। आचार्य साहब, किन आधार पर आपने इतना बड़ा हाइक प्रपोज किया है? देखिए, आप इसके ब्रेकअप में जाएंगे तो आपको इसका आधार समझ में आएगा। अब सैलरी ले लो, उदाहरण के लिए सैलरी इनको 12,000 मिलता था, 12,000 आप भी मानेंगे कोई सैलरी है नहीं, 12,000, और उसको हमने बढ़ा के 50,000 कर दिया है, और जो अलावेंस है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस वो हमने 18 से 50,000 कर लिया है। कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस 90,000 तक मिलता है कई असेंबलीज में। तो ये तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा कोई अचंभित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर मद में या हर आइटम में हमने इसी तरह से बढ़ोतरी की रिकमेंडेशन की है, उसका सारा बेस हमने स्टडी करके दिया है ये। लेकिन सर, अगर ये सिफारिशें ज्यों की त्यों मान ली जाएं तो ये हाईएस्ट पेड स्टेट भी नहीं है, एनसीटी है, उसके बावजूद ये गलत कारणों से चर्चा में नहीं आ जाएगी असेंबली? चर्चा तो होगी, नेचुरली पब्लिक डिस्कशन तो होगा ही, वो तो कोई रोक नहीं सकता, डेमोक्रेसी है, यहाँ तो डिबेट तो होता है और होना भी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, रहेगा। लेकिन एक असेंबली मेंबर को, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे गोवा का हो या दूसरी जगह का हो, एक रीजनेबल सैलरी और अलावेंसेस और फैसिलिटीज तो मिलनी चाहिए, है ना? वो कितनी रीजनेबल हो सकती है, कितनी सैलरी एडिक्वेट है, ये सब अब कमेटी, सर्टनली कमेटी हैज मेड सम रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टडी के आधार पर हमने बनाया है।
चलिए, तो सभी चीज़ों के जवाब थे आचार्य साहब के पास, लेकिन आम जनता के जहन में कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर उठेंगे जब वो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जो सादगी का दावा करती है, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ है, वो एक ऐसी असेंबली बन सकती है जो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा सैलरी अपने विधायकों को देती है। ये कैसी है आपकी पार्टी? कैमरामैन मनोज सेनी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। सैलरी अभी बढ़ी नहीं है, सैलरी चौगुना करने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आप सरकार पर अपने लोगों के जेबें गर्म करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने। दिल्ली में विधायकों की सैलरी को लेकर जो कमेटी बनी थी उसने भी रिपोर्ट दे दी है, और जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है सरकार जल्दी सुनेगी। 2,10,000 करने की बात कही मेरे सतीश उपाध्याय। सतीश जी, 2,10,000 करने की मांग रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने, जो विधायकों की सैलरी 83,000 हुआ करती थी सारे एनओसी मिला के, 2,10,000। तो ऐसे दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है, ये सरकार आम आदमी की सरकार बनी थी ना, गरीबों के लिए सरकार बनी थी ना, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए सरकार बनी थी ना, लोगों को फ्री वाईफाई देना था ना, लोगों को जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करना था, टीचर्स को पक्का करना था, अस्पतालों में दवाई अच्छी मिलनी थी, अस्पतालों में आईएसओ सर्टिफिकेशन होना था। सरकार ने क्या किया? ये सरकार वीवीआईपी की सरकार बन गई। ये सरकार केवल आज प्रायोरिटी, सरकार की प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता जो मैंने कहा वो चीज़ें हैं, या प्राथमिकता उनके कैसे बड़े ऑफिसेज बने, कैसे गाड़ियाँ मिले और कैसे सैलरी बढ़ जाए? अभी जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, सरकार का कहना है कि हम उनको देखेंगे और जो लगेगा कि हमें लागू करनी है वही लागू करेंगे, पता चलेगा, देखते हैं। अभी तक तो लोगों ने 7 महीने में देख ही रहे हैं, लोगों ने देख लिया सरकार ने क्या काम किया है, इसको भी देख लेंगे। सर, बीजेपी के 3 विधायक हैं, उन्होंने जो सत्र कहा था खासतौर से कि हम 0 सैलरी पे काम करने को तैयार हैं। 3 विधायकों से अभी बात हुई, अभी बातचीत नहीं हुई है सर, उनका भी आपकी बातचीत हुई? नहीं नहीं बिल्कुल, विधायक हमारे वहाँ पर जो उनको विरोध करना है विरोध करेंगे इस बात का, उन्होंने तो पहले भी कहा था, और इसलिए ये सरकार की प्राथमिकता दिल्ली की जनता के सामने आ रही है। दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, उसको किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं। सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सरकार आम आदमी की बात करती थी, तमाम जो इनके विधायक हैं एक अलग तबके से आते थे, लेकिन सरकार में आती सर कहीं ना कहीं उनको अब सत्ता और पैसा नजर आने लगा आपको? नहीं नहीं, वो आम कहाँ है, अब तो सब खास हैं, अब आम कहाँ रहे, आम तो छूट गया, आम के पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब खास हो गए। 1.5-1.5 लाख की, 2-2 लाख की सैलरियों पर लोगों को रख रहे हैं, गाड़ियां सबको मिल गई, भत्ते मिल गए, तनख्वाह अब उनकी 4 गुना और बढ़वा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज ले लिए, 526 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया जो एक रिकॉर्ड बनेगा अपने आप में, तो आम नहीं है ये, खास लोगों की है, अब उनको परवाह। सतीश उपाध्याय साहब तो ये बता रहे हैं कि आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं, जनता का जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं अपने यूज में लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, और ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग पूरी तरीके से करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। कैमरा नीरज राठौर के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली। बुजुर्ग पर खौलता तेल डालकर जलाने का मामला बाहरी दिल्ली के बादली में सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। ये है बाहरी दिल्ली के बादली थाना इलाके का लिबासपुर रेलवे स्टेशन रोड। यहाँ फुटपाथ पर छोले भटूरे की ये दुकान 90 साल के मुनेश्वर पिछले कई सालों से चला रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली नगर निगम का ट्रक आया और कर्मचारी दुकान का सामान उठाने लगे। जैसे ही उबलते तेल की गर्म कढ़ाई उठाई तो गर्म होने के कारण निगम कर्मचारी उसे उठा नहीं पाए और निगम कर्मचारी ने कढ़ाई को लात मारी, जो अंदर दुकान में चारपाई पर बैठे 90 साल के मुनेश्वर पर जा गिरी। मुनेश्वर के पूरे पांव जल गए, लेकिन ये सब देखने के बावजूद निगम कर्मचारियों ने ट्रक भगा लिया। हर महीने पैसे देते हैं, 500 रुपया तो पुलिस और एमसीडी दोनों लेके जाती है? सारे ले जाते हैं। कौन ले जाता है? कमेटी वाले ले जाते हैं और ये पुलिस वाले भी ले जाते हैं। हम लोगों को लग रहा है फ्री में, और बोलते हैं तो कह रहा है तेरे को जेल में बंद कर दूंगा। लोगों ने रेलवे फाटक के पास जाम में फंसे ट्रक को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लोगों का आरोप है कि निगम कर्मचारी और पुलिसकर्मी जमकर उघाई करते हैं। आज सुबह 8:30 बजे, 8:15 बजे और 8:30 के बीच में था,
अब उसने क्या कैसे, ना कोई कंफर्म ना कोई बात, चलो हम रोड पे लगा रहे हो तो कोई दिक्कत है, ये नाले के देख लीजिए आप आके, इधर फोटो ले लीजिए और इसको देखिए कैसे ये सब धांधली मचा रखे हैं, क्या मतलब है इनका, हालत कैसी है वो? हाँ जी, कैसी हालत है उनकी? हालात ये जी, यहाँ ले गए थे जगजीवन में, यहाँ से रेफर कर दिया है, वहाँ चले गए। घायल मुनेश्वर को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बर्न वार्ड न होने के कारण तुरंत LNJP रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग के दोनों पांव पूरी तरह गर्म तेल से जल गए हैं और पूरी तरह बोलने की हालत में भी नहीं है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन निगम कर्मचारियों ने जिस तरह अपने काम को अंजाम देते हुए असंवेदनशीलता दिखाई, वो उसे कटघरे में खड़ा करती है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।